तो दोस्तों, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा दिनों के लिए आप लॉकडाउन में हो और उतने ही टाइम में आपका दिमाग भी खराब हो गया होगा। पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ऐसा भी जीव है जो कि 17 साल के लिए लॉकडाउन में रहता है। आप कहेंगे ऐसा What? कैसे हो सकता है। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन। ये सच है। आज हम जिस जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है झिंगुर का एक नजदीकी रिश्तेदार, सिकाड़ा। जी हाँ, ये जो सिकाड़ा जीव होता है ये ना बड़ा ही अजीब होता है। पहले जीव के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सिकाड़ा फैमिली का मैगी सिकाड़ा, जो कि एक पीरियोडिकल सिकाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्से में। ये अपने जीवन का ज्यादातर समय जमीन के नीचे ही रहते हैं और बाहर भी आते हैं तो केवल अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। अलग अलग तरह के सिकाड़ा अलग अलग टाइम के लिए लॉकडाउन में रहते हैं, मेरा मतलब जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे कि कुछ 1 साल के लिए, कुछ 13 साल के लिए और यहाँ तक कि कुछ 17 साल के लिए भी। पूरी दुनिया में सिकाड़ा की करीब 3,000 प्रजाति है, जिसमें से ज्यादातर ईयरली सिकाड़ा ही होते हैं, यानी कि जो 1 साल के लिए लॉकडाउन में रहे। मैजी सिकाड़ा जमीन के अंदर ही पेड़ पौधे के जाइलम फ्लूइड्स को पीकर अपना जीवन बिताते हैं। इनकी लंबाई 2.4 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर तक होता है। ये आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन तब तक के लिए जब तक कि आप उन्हें परेशान ना करें। 17 साल के बाद जमीन के बाहर आते हैं तो मेल सिकाड़ा कई तरह के आवाजें निकालता है, जी हाँ, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। 17 साल तक लॉकडाउन में रहने वाले सिकाड़ा 3 तरह के होते हैं। मैजी सिकाड़ा स्पेंडेंसियम, मैजी सिकाड़ा कैसिनी, मैजी सिकाड़ा स्पेंडेकुला। सच में यार, ये जीव तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं सिकाड़ा के बारे में कुछ फैक्ट्स की। सो नाउ इट्स फैक्ट टाइम। 17 साल के सिकाड़ा की आंखों का कलर वाइट होता है, पर यह फिक्स नहीं है क्योंकि अलग अलग सिकाड़ा के अलग अलग कलर देखे गए हैं। यहाँ तक कि कुछ के रेड, कुछ के व्हाइट, कुछ के ब्लैक और यहाँ तक कि कुछ के ब्लू भी मिले हैं। क्या आपको यह पता है कि सिकाड़ा के 5 आंख होते हैं, 2 बड़े और 3 छोटे। नेक्स्ट। और सब जीवों की तरह इंसानों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, आप इन्हें भी खा सकते हैं। कई देशों में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप इन्हें बॉईल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं और यहाँ तक कि फ्राई भी कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आप ट्राई करेंगे। अब सबसे बड़े फैक्ट की बारी है। अलग अलग झुंड के सिकाड़ा अलग अलग टाइम के लिए जमीन के अंदर जाते हैं और अलग अलग टाइम पर ही बाहर आते हैं, और कभी भी उनके झुंड में ओवरलैप नहीं होता। मतलब कि समझो इस बात को, जैसे कि आपने सुना होगा कि सारे जीव झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। जैसे कि टिड्डों की ही बात ले लो, वो हमेशा झुंड में ही ट्रैवल करते हैं, पर सिकाड़ा कभी भी झुंड में बाहर नहीं आते। साइंटिस्ट के माने तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि जब सारे सिकाड़ा एक साथ बाहर आ गए हों। ऐसा एक बार 2013 में हुआ था। इनफैक्ट ऐसा 221 सालों में एक बार होता है, यानी कि अब अगर ये पिछले 2013 में हुआ था तो अब ये सीधा 2115 में होगा। तो कैसे लगा आपको ये फैक्ट्स? तो दोस्तों, ये थे कुछ इन छुपे रुस्तम सिकाड़ा के बारे में फैक्ट्स, जो कि आपको बेशकी नहीं पता होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नीचे जो इन सिकाड़ा की तरह लाल आंखों की ये सब्सक्राइब बटन है, इसे भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड।